को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं चुनने में इस बात को कहां ध्यान रखा गया था, लेकिन संजोग कहेंगे और अनंत चतुर्दशी भी है आज। ये दोनों का एक बेसिक मिलाप है और इसी दिन को चुनते हुए आज एक क्रांति के स्वर को संगठन में हम शामिल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में यह समारोह झारखंड की जरूरत है। ये कितना महत्वपूर्ण रखता है कि खालिद साहब मेरे साथ आ गए, हमारी पार्टी में आ गए। उससे भी ज्यादा महत्व ये रखता है कि वर्तमान समय में राज्य के बारे चिंता करने वाले लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सभी लोगों ने उसी शर्त को पूरा करने के लिए एक साथ आने का निश्चय किया है। जो चीजें इस राज्य में वर्तमान में विद्यमान है, ये कहीं से किसी रूप से आपको ये परिस्थिति यहां लगती नहीं है कि ये वही आंदोलन के और आंदोलन के द्वारा उपजे राजनेता का परिवार का संसार या फिर युवराज बैठा है, जिसके मन में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन की पीड़ा सा शरीर तो उनको रहा नहीं होगा, लेकिन दर्शन तो जरूर हुए होंगे। प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड राज्य के और उसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नजदीक से देखा होगा, उस परिस्थिति को जरूर नजदीक से देखा होगा। बावजूद इसके जो अवसर मिला, इस अवसर को कभी भी राज्य के प्रति उनकी जनता के प्रति समर्पित करने का काम नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि इस राज्य को देखने की दृष्टि मुझे लगता है कि राजपाट व्यवस्था की तरह है। उन्हें कभी नहीं लगा कि इस राज्य में और राज्य की ये महती जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में एक सेवक के रूप में है। ये कैरेक्टर, ये चरित्र कभी भी उनमें विद्यमान नहीं रहा और उसका फलाफल है कि लोगों में घोर निराशा है। काफी उम्मीद के साथ कई लोगों को भ्रम में पालते हुए, भ्रम में रखते हुए कई ऐसे वादे, चूंकि वादों पर अंकुश नहीं है और वादों पर और भ्रम डालने की एक कला है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले से विद्वान है, तो इन सभी को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राज्य को और राज्य के विश्वास को, राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। समय बदला है, परिस्थिति बदली है, लोगों में चेतना और राजनेताओं में इस परिस्थिति के खिलाफ में कहीं ना कहीं एक विचार पैदा हुआ है और इसका स्वरूप लगातार आप देख रहे हैं। लंबे समय तक धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लोगों को भ्रम में डालते हुए राजनीति की रोटी या राजनीति का परिणाम तो अपने पक्ष में करा लिए, लेकिन सामाजिक चेतना भी अगर रहता तो समाज के बारे सोचा जाता। यूं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इनका जगह कुछ भी नहीं है, मैं कभी भी इन चीजों को मानता नहीं हूं। मैं हर किसी को एक साधारण रूप से मानता हूं और मुझे लगता है कि इस राज्य की सामूहिक पीड़ा को राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए और उस पर पहल करनी चाहिए। और ये पीड़ा इस राज्य के वर्तमान हालात को किधरों देखे, किसी स्थिति पर देखो, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको कहीं भी नजर आ जाएगा। तो एक राजनेता के देखने की दृष्टि, सोचने का तर्क बिल्कुल अलग होता है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इससे तर सोचा नहीं, मैंने अपने राजनीति को वहीं पर खड़ा होकर गाढ़ा और मजबूत करते गए। जब भी अवसर मिला इस राज्य के लिए बेहतर करने का सोचा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान राजनीति को शायद ऐसे अवसरों में और खलील जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे और मेरे भाई की जरूरत पड़ेगी जिनको सामूहिक रूप से एक पटल पर एक विचार पे लाकर इस राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमारा मददगार होंगे और हम इस अभियान के एक साथी के रूप में काम कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा और ये फर्क या तो खुद लेके आएंगे लोग
या परिस्थिति लाएगी, ये दोनों ही स्थिति होने जा रहा है। क्योंकि आप बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज को आप रोक नहीं सकते, उनकी जुबान को रोक नहीं सकते, ये परिस्थिति बन रही है। कभी कभी राजाओं को इसका एहसास नहीं होता है। बताओ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजपाट और राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये जुनून किसी राजनेता में नहीं है। उनको लगता है कि अपनी बात केवल बोल के निकल जाने से शायद मेरा दायित्व तो खत्म हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। समय चीजों को देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक दल के रूप में द्वेष भावना से कभी मैं काम नहीं करता, लेकिन जिस कानून जिस व्यवस्था के आप हेड हैं उसके भी कुछ मौलिकताएं हैं, अगर उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो उस पद की गरिमा कमजोर होता है, उस पद की हैसियत पे फर्क पड़ता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है जिस पद पे हम आते हैं, जिस पद के लिए आप ललाहित हैं या जहां बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और उसका ख्याल अगर करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं राजहित पर आप निर्णय ले सकते हैं, राजहित के बारे में चिंता कर सकते हैं। आइए, दो तीन दिन का अभी एक बड़ा समय, हम सभी लोग एक बड़ा सपनों को पालकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो राजनीतिक दायरे में तो होगा लेकिन राजनीतिक दायरे से ऊपर इस राज्य के दायरे को एक प्लेटफॉर्म में समेटने की तैयारी हमारी चल रही है। हमारा महाधिवेशन कल से प्रारंभ होगा और महाधिवेशन में पहली बार ऐसी कोशिश की गई है कि महाधिवेशन में केवल दलीय चिंता और दल के लोगों की चिंता या दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि गांव का एक साधारण अदना परिवार जो राज्य के बारे में सोचता है, एक साधारण ग्राम सभा जो अपने गांव के बारे में चिंता करता है, अपने लोगों के बारे में चिंता करता है, अपने भविष्य पर जो उनका चिंतन है, उस चिंतन को उस चौपाल से उठाकर इस प्लेटफॉर्म में लाने की तैयारी हमारी चल रही है। दूसरी तैयारी ये भी है कि सात समुंदर बाहर भी इस राज्य के बारे अगर कोई सोच रहा है उसके स्वर भी यही मोरहाबादी मैदान लाने की तैयारी है। ये दोनों ही काम हमारा चल रहा है और आप देखेंगे इन चीजों को। एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कार्यक्रम हम सभी लोगों ने तय किया है जो निश्चित रूप से आजसू के प्लेटफॉर्म में बनेगा, लेकिन ये विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा ये निश्चित रूप से जब भी कोई व्यक्ति दायित्व में होंगे वो साधारण मुखिया से लेकर इस राज्य के मुखिया तक वो कभी भी इन पन्नों को पलटेंगे तो निश्चित रूप से उनको झारखंड का समाधान इसी तीन दिन के डिबेट से मिलेगा, इस पन्नों में ही उनको मिलेगा और इसी सूत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य को आगे ले जा सकते हैं। इतनी बड़ी अनुष्ठान की तैयारी हमारी चल रही है और उसके दिन के पूर्व में आज खलील भाई जैसे लंबे समय तक एक राजनीतिक भूमिका में रहने वाले एक सादे हृदय के एक अच्छे वक्ता आज संगठन में आना निश्चित रूप से हमारी इस योजना को बल देने वाला है। मैं इनके साथ इनके सारे शुभ चिंतकों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका ये विचार, आपका साथ में आना निश्चित रूप से मेरे कार्यक्रमों को गति मिलेगा। आइए हम मिलकर, मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है, मैं हमेशा लोगों के साथ भागीदारी बनकर काम करता हूं, मैं हमेशा उनके जो कार्यक्रम और उनके जो व्यक्तिगत उनका अनुभव रहा है उसको हमेशा हम जगह देने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी चीजों को अलग अलग रूप से कभी नहीं देखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे अली भाई हो, चाहे खलील जी हो, चाहे हमारे संगठन के कोई भी व्यक्ति जिन्होंने संगठन का दामन थामा है और उसे ये लगता है कि राज्य के हित में मैं अपनी जरूरत इस प्लेटफॉर्म से और इस राज्य के हित में मैं कुछ कर सकता हूं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए सदा खुला रहेगा, खुला है। और आप अपना हुनर के आधार पर पार्टी में आगे जा सकते हैं और इस राज्य को आगे ले जाने का संकल्प ले सकते हैं। मैं पुनः आज के इस ऐतिहासिक दिन को अपने इन स्वरों के माध्यम से मैं बल देते हुए अपनी बात को यहीं पर अंत करते हैं। आज कल की तैयारी हम सबको मिलकर करना है, लेकिन आज का आगाज बड़ा हो रहा है। इस आगाज में हमारे साथियों को और मेरे साथियों समर्थकों को पाकर निश्चित रूप से हमें ताकत और बल मिला है। हम लोग इस राज्य की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, राज्य के लोगों के अरमान को पूरा करेंगे, संघर्ष के से उपजे हुए इस प्रदेश को, इसके
हैसियत तक पहुंचाने की तैयारी हमारी लगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।